आज तारीख हो चुकी है 27 सितंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने एक रिटेन प्लेयर का नाम कंफर्म कर दिया, जहां पर संजू सैमसन को अब 14 करोड़ के बड़े अमाउंट में ये टीम रिटेन कर चुकी है। जबकि बचे हुए 3 रिटेन प्लेयर्स के विकल्पों में ये टीम जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, लिविंगस्टोन और यशस्वी जायसवाल में से अब 3 और प्लेयर्स को रिटेन करेगी, जहां पर जायसवाल का भी अब रिटेन होना कंफर्म है। जबकि बटलर, लिविंगस्टोन और यहां पर आर्चर में से अब केवल 2 ही विदेशी प्लेयर को ये टीम रिटेन कर पाएगी। और 28 नवंबर को यानी कल के दिन राजस्थान रॉयल्स की टीम ऑफिशियली अपने 4 रिटेन प्लेयर्स के अब नाम अनाउंस कर देगी। यानी जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने रिटेन प्लेयर्स के नाम अनाउंस कर दिए, कुछ उसी तरीके से 28 नवंबर को अब राजस्थान की टीम भी अपने रिटेन प्लेयर्स के नाम अनाउंस करेगी। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस टीम के रिटेन प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग राजस्थान की टीम को आखिर कौन से 4 प्लेयर्स रिटेन करने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है हैदराबाद की तरफ से। दरअसल यहां पर मेगा ऑक्शन से पहले और रिटेंशन प्रोसेस से पहले हैदराबाद की टीम को अब बड़ा झटका लग सकता है। इस टीम का एक बड़ा प्लेयर अब इस टीम को छोड़कर अब मेगा ऑक्शन का भाग बन सकता है, जहां पर मैनेजमेंट चाहती है कि केन विलियमसन को यहां पर पहला रिटेन रखे, यानी विलियमसन को 16 करोड़ में ये टीम रिटेन करे, जबकि राशिद खान को दूसरा रिटेन रखे, राशिद खान को 12 करोड़ में रिटेन करे। लेकिन राशिद खान ने यहां पर इस टीम को यहां पर ये बताया कि वो 12 करोड़ में अब रिटेन होना नहीं चाहते, वो 16 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने रख दी है। कुल मिलाकर वो 16 करोड़ में रिटेन होना चाहते हैं, और अगर 16 करोड़ में ये टीम उनको रिटेन नहीं कर पाती तो राशिद खान ने बताया कि वो मेगा ऑक्शन का अब भाग बनेंगे। हैदराबाद की टीम को छोड़कर वो मेगा ऑक्शन का अब भाग बनेंगे। तो कुल मिलाकर अब 2 दिनों में हैदराबाद की टीम को कंफर्म करना होगा कि कौन से प्लेयर को आखिर ये टीम रिटेन करेगी। आखिर राशिद खान को 16 करोड़ में अब ये टीम रिटेन करेगी या फिर नो, राशिद खान को 16 करोड़ में रिटेन करने पर आखिर विलियमसन को कितने करोड़ में रिटेन करेगी। इस टीम को अब लगभग 2 दिन में ये डिसीजन लेना होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग हैदराबाद की टीम को आखिर इस समस्या का क्या सोल्यूशन करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल के रिटेंशन प्रोसेस को लेकर। दरअसल लगभग 3 दिन बाद अब 30 नवंबर को हमें आईपीएल का रिटेंशन प्रोसेस लाइव देखने को मिलेगा। आईपीएल के इतिहास में दूसरी बार अब आईपीएल के रिटेंशन प्रोसेस को अब स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव किया जाएगा। हालांकि अभी तक टाइमिंग रिवील नहीं हुई है, लेकिन अब जल्द ही हमें यहां पर टाइमिंग भी देखने को मिलेगी। और अब तो खबर भी ऐसी है कि एमएस धोनी भी अब रिटेंशन प्रोसेस के यहां पर भाग बन सकते हैं, एमएस धोनी भी इस प्रोसेस में शामिल हो सकता है। आप स्टार स्पोर्ट्स पर 30 नवंबर को रिटेंशन प्रोसेस को लाइव देख सकते हो, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वैसे भी यहां पर रिटेंशन प्रोसेस को हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब स्टार स्पोर्ट्स की तरह यहां पर इस प्रोसेस को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तो आप फटाफट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए कि आप रिटेंशन प्रोसेस को लेकर आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स का अब यहां पर मेगा ऑक्शन का पर्स बैलेंस रिवील हो चुका है, जहां पर इस टीम ने तो अपने रिटेन प्लेयर्स की अब लिस्ट अनाउंस कर दी, जहां पर 16 करोड़ में इस टीम ने पंत को यहां पर रिटेन किया, 12 करोड़ में पृथ्वी शो को, 8 करोड़ में अक्षर पटेल को और केवल 6 करोड़ में एंड्रिच नोकिया को इस टीम ने रिटेन किया। इन प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद अब यहां पर 90 करोड़ के पर्स बैलेंस में से इस टीम के 42 करोड़ रुपीज कट हो चुके हैं। बचे हुए 48 करोड़ में इस टीम को मेगा ऑक्शन में यहां पर 21 प्लेयर परचेस करने होंगे, जहां पर एंड्रिच नोकिया को इस टीम ने काफी कम प्राइस में रिटेन कर लिया, जबकि पृथ्वी शो को इस टीम ने काफी बड़ा 12 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस टीम का आखिर ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है श्रेयस अय्यर की तरफ से। दरअसल पहले टेस्ट मुकाबले में शतक के बाद अब श्रेयस अय्यर ने खुलासा किया है कि ये यहां पर आईपीएल में अब दिल्ली कैपिटल्स के बाद
आरसीबी की टीम का भाग बनना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि आरसीबी की टीम को एक कप्तान की नीड है और अय्यर के पास 2 से 3 सालों का आईपीएल में कप्तानी करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इन्होंने 13 सालों बाद यहाँ पर आईपीएल के फाइनल में क्वालिफाई कराया था। तो यहाँ पर अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार 2 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई थी। तो अय्यर ने बताया कि वो आरसीबी कप्तान बनना चाहते हैं और आरसीबी में भी वो जो दिल्ली कैपिटल्स में परफॉर्मेंस रहा था उसको रिपीट करना चाहते हैं। तो मोस्ट लाइकली मेगा ऑक्शन में शायद आरसीबी की टीम इनको टारगेट करे और 8 से 10 करोड़ तक ये टीम खर्च करके शायद इनको परचेस भी कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब यहाँ पर आरसीबी की टीम को आखिर इनको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है सीएसके के ऑफिशियल्स की तरफ से। दरअसल अब यहाँ पर प्लेयर्स रिटेंशन के दौरान अब यहाँ पर सीएसके के ऑफिशियल्स यानी सीएसके की मैनेजमेंट ने और ओनर्स ने एक फैंस के लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी या फिर एक बड़ा स्टेटमेंट किया, जहाँ पर इस टीम के ओनर्स ने और मैनेजमेंट ने बताया कि ये टीम पूरा प्रयास करेगी कि अपने पुराने प्लेयर्स को यहाँ पर मेगा ऑप्शन से रिवाइव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल फेब डुप्लेसी को और सैम करन को, सुरेश रैना को ये टीम रिटेन नहीं करेगी। तो इस टीम का पूरा प्रयास होगा कि अपने इन पुराने प्लेयर्स को यहाँ पर दोबारा से मेगा ऑप्शन से परचेस करके अपनी टीम में यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, टीम में दोबारा से यहाँ पर जगह दी जाए। तो कुल मिलाकर सीएसके के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अपने पुराने प्लेयर्स को वो एक बार फिर से अपनी टीम में देख पाएंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर सीएसके की टीम को यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर्स को अब यहाँ पर ऑप्शन से परचेस करके दोबारा से अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है केएल राहुल की तरफ से। दरअसल केएल राहुल ने भी पंजाब की टीम से रिक्वेस्ट करके अब अपने आप को मेगा ऑप्शन के लिए रिलीज कर दिया। ये भी मेगा ऑप्शन का भाग बनेंगे। हो सकता है कि मेगा ऑप्शन से पहले ही ये प्लेयर ड्राफ्ट में लखनऊ की टीम में चले जाए, जहां पर केएल राहुल से अब केकेआर की टीम ने भी कॉन्टेक्ट किया। केकेआर की टीम भी अब इनको परचेस करना चाहती है। तो कुल मिलाकर अब ये केएल राहुल पर डिपेंड करता है कि वो प्लेयर ड्राफ्ट में यहाँ पर लखनऊ की टीम में परचेस होकर लखनऊ की टीम के कप्तान बने या फिर नहीं, या फिर मेगा ऑप्शन में जाकर केकेआर या फिर बाकी टीमों में अब चले जाए। कुल मिलाकर केएल राहुल को अब जल्दी ये डिसीजन लेना होगा क्योंकि बीसीसीआई ने अब डेडलाइन डेट ला दी कि 1 दिसंबर से लेकर अब 25 दिसंबर के बीच अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों को अपने 3-3 प्लेयर्स के नाम अनाउंस करने होंगे। तो अब जल्दी यहाँ पर केएल राहुल को यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग केएल राहुल को आखिर यहाँ पर दोनों टीमों में से कौन सी टीम को चूज करना चाहिए, केएल राहुल को प्लेयर ड्राफ्ट का या फिर मेगा ऑप्शन का भाग बनना चाहिए। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है अहमदाबाद की टीम की तरफ से। दरअसल अहमदाबाद की टीम ने अब कल शिखर धवन के साथ भी कॉन्टेक्ट किया, जहां पर शिखर धवन को भी अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज कर दिया। तो यहां पर अहमदाबाद की टीम ने अब धवन के साथ भी कॉन्टेक्ट किया, ये टीम धवन को भी अब अपनी टीम में इंक्लूड करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले वार्नर, अय्यर, हार्दिक और कृणाल पांड्या से इस टीम ने बातचीत करी थी और इन प्लेयर्स के साथ इस टीम ने कॉन्टेक्ट किया था। तो अब यहां पर ये टीम धवन के भी पीछे, कुल मिलाकर मेगा ऑप्शन से पहले अब ये टीम बड़े बड़े प्लेयर्स को यहां पर परचेस करना चाहती है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अहमदाबाद की टीम को आखिर कौन से यहां पर 3 प्लेयर्स को अब मेगा ऑप्शन से पहले परचेस करना चाहिए। इसके साथ हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।